नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। हेडेरा यानी कि HBAR अच्छा खासा पंप हो गया। अप्रोक्स आप ये मान लीजिए 100% के आसपास, थोड़ा सा कमरा बनना 100% ये पंप हो गया। क्यों हो गया? केवल एक ऐसी न्यूज जिसका कुछ अभी अता पता नहीं है, वाकई में है भी या नहीं है। और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज ये है CZ बाइनेंस, यानी कि जब तक बाइनेंस में रहा तब तक बाइनेंस बहुत बढ़िया चला। और जो नया वाला CEO है उसका तो भाई कुछ आता पता नहीं है, कब बोलता है नहीं बोलता है क्या करता है कुछ पता नहीं। लेकिन CZ का जरूर सोशल मीडिया पर आपको एक्टिवनेस नज़र आती थी। उसी से रिलेटेड एक न्यूज़ है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक वाली है, लेकिन मार्केट पर उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला। यानी कि 3 साल की सज़ा हो रही है CZ को। क्या है पूरा मैटर, चलिए बात करते हैं और मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में भी। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले चलिए CZ को लेकर ही जो बात है वो कर लेते हैं कि CZ का आखिर ये क्या हुआ। देखिए साहब, जो अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट है उसने 3 साल की सज़ा की डिमांड की है। अब ये 3 साल की सज़ा की डिमांड इसलिए की है कि जो आपने पीछे इन पर देखा, एक तरह से क्रिमिनल केस, मनी लॉन्ड्रिंग के केस और जो भी अमेरिका के हिसाब से जो केस लग सकते थे वो इन पर लगा के इनको अमेरिका में बाकायदा रोका हुआ है। जबकि CZ तो बेचारा इसलिए चला गया अमेरिका कि चलो मैं अपनी तरफ से ही चला जाता हूँ जिससे कि मुझे पुलिस ढूंढने नहीं आएगी, जिससे कि सब कुछ ठीक रहेगा। भाई लॉयल्टी एक तरह से रहेगी, ठीक है एक बंदा जेन्युइन है अपने आप आके कोर्ट में हाजिर हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कहीं भी ये डिसीजन CZ के लिए गलत होने जा रहा है। शायद कहीं दूसरे कंट्री में रहता तो मे भी इतनी जल्दी ऐसा सब कुछ ना होता, टाइम लगता। लेकिन क्या है कि अब चूंकि CZ अमेरिका में ही है इस वजह से अब जो भी अमेरिका चाहेगा वैसा कर सकता है। तो वही है कि कहीं का जो अमेरिका का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उन्होंने साहब देखिए 3 साल की सजा के लिए इनको एक तरह से कोर्ट में कहते अनुशंसा की है कि भाई इनको जो है कम से कम 36 महीने की सजा दी जाए, यानी कि जेल करवाइए। अब क्या डिसीजन होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन क्या इसका कोई मार्केट पर इम्पैक्ट आएगा? तो देखिए, एक होता है करंट में CEO होना और एक होता है भूतपूर्व। तो फिलहाल तो अगर देखा जाए तो भाई देखिए इसका मार्केट पर कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिलहाल करंट में तो भाई CEO नहीं है, वो ठीक है एक बहुत ही जानी मानी हस्ती थी और जब तक ये रहा मार्केट में तब तक देखिए मैनिपुलेशन तो हमेशा से होते रहे, तब भी हुए अभी भी हो रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बंदा अपनी एक अलग जगह बना के चल रहा था, मिनटों में कहते हैं सर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर देता था, यानी मार्केट को बहुत जल्दी नॉर्मल भी कर लेता था। कुछ गट्स थे बंदे, तभी मैं इसको गोटिया बोलता था कि गोटिया बहुत तेज है। लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल गोटिया थोड़ा सा फंसता नजर आ रहा है। और अब सजा होगी कि नहीं होगी तो देखिए अब अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, जो इनका जस्टिस डिपार्टमेंट को एक तरह से 3 साल के लिए बोला है कि भाई इनको 3 साल की प्रिजन करवाई जाए। तो ये साहब एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज आज की, जो मैंने ट्विटर पर तो आपको बहुत पहले ही अपडेट दे दिया था, लेकिन वीडियो में भी इसको मैं एक तरह से कवर कर देता क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि सर वीडियो में जरूर कवर कीजिए जो भी हो। अगली न्यूज है साहब हेडेरा को लेकर, यानी कि HBAR ये अचानक से साहब 100% के आसपास पंप हो गया। ट्विटर पर इसका भी अपडेट आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं जाके। अब इसका क्या था, एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल ने थोड़ा सा मैं आपको 2 लाइन पढ़ के सुनाता हूं। हैव अ टोकन पंप्ड 96% ऑन मिस इंटरप्रेटेड न्यूज, द ब्लैक रॉक टोकनाइज इट्स मनी मार्केट फंड ऑन हेडेरा। यानी एक न्यूज ऐसी थी जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली थी, यानी कि अभी तक देखिए ऑफिशियली कहीं से भी ऐसी न्यूज नहीं कि हाँ ब्लैक रॉक जो है कहीं ना कहीं इसको टोकनाइज मनी में आपने शामिल कर रहा है हेडेरा को, कहीं भी कोई ऑफिशियल ऐसी चीज नहीं है। ना तो ब्लैक रॉक ने आके सामने से बोला है, ना इनकी तरफ से किसी ऐसे जिम्मेदार पर्सन ने आके कोई ऐसा ट्वीट किया है। केवल ये कहीं से कोई इंटरव्यू में से कहीं ना कहीं कोई बात निकलती है तो कहीं से कोई ऐसा कुछ निकल के आया और एक के साहब हेडेरा को ये एक तरह से टोकनाइज सिस्टम में शामिल करने जा रहे हैं। तो भाई साहब बस उसी बात को लेकर और हेडेरा में एक अच्छा खासा पंप हो गया और 96% के आसपास। तो मैं इसका प्राइस भी आपको बता देता हूँ फ्रंट करंट में क्या चल रहा है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो कहते हैं मार्केट में जरा सी कोई अगर न्यूज अप एंड डाउन वाली भी आ जाती है ना तो भी मार्केट उसी पर रिएक्ट कर देता है। अब हेडेरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है जिसका प्राइस आप ये मान लीजिए लगभग 0.08786 के आसपास जो चल रहा था वो अचानक से पंप होके आपका $0.18 के आसपास पहुंच गया। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए, वो कहते हैं अप्रोक्स 100% के आसपास हो गया। तो अब ये है कि एक न्यूज, केवल एक न्यूज जो भी जिसका भी अभी कुछ पता ठिकाना नहीं कि वाकई में ये है या नहीं। और अभी फिलहाल प्राइस गिर के इसका जो है जैसे ही थोड़ा सा लोगों को ये क्लियर होना शुरू हुआ कि भाई ये तो सब ऐसे ही था तो उसका प्राइस अभी 0.14 पर डाउन भी आ गया है। तो देखिए
अगर ये रियल में होता तो ये कहते हैं 0.018 नहीं, अभी ये $1 के आसपास हो जाता अगर ये वाकई में रियल होता। ये कहां, ये न्यूज रियल है, ब्लैक रॉक हेडरा के साथ ऐसा कुछ करने जा रहा है, तो इसका ये पंप जो है ना अप ट्रेंड में चलता है, ना कि डाउन ट्रेंड में आता। तो फिलहाल तो देखिए इसमें डाउन ट्रेंड चालू है, और जैसे जैसे लोगों को ये चीज थोड़ी सी कन्फर्म होगी कि ये सब न्यूज में अभी कोई ऐसा दम नहीं है। भाई देखिए, अगर वो कहते हैं कई बार जहां आग लगती है वहीं से धुआं निकलता है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई कुछ बैकग्राउंड में चल रहा हो, तो ऐसा कुछ हो गया तो मे बी इसमें एक अप ट्रेंड फिर से आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी कंफर्मेशन कुछ भी नहीं, जो मार्केट में आज तक की जो कंडीशन है वो मैंने आपके सामने रख दी है। अगर कुछ वाकई में चल रहा है तो इसमें पंप जबरदस्त आएगा और $1 फिर बहुत आसानी से ये पहुंच भी जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि ये न्यूज कितनी सही है। अगर ऐसे ही फेक है, कहीं से बस ऐसे किसी ने पब्लिक कर दी है, तो मेरे भाई ये फिर दोबारा से जिस रेंज, यानी कि एक जीरो जो इसने किल किया है वो जीरो फिर से इसमें ऐड हो जाए। फिलहाल मार्केट आपका BTC $66,800 के आसपास चल रहा है, वही एक बीच की रेंज इसने पकड़ रखी है, ना तो ज़्यादा भी ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, यानी कि $1,000 ऊपर जाता है उतना ही नीचे आ जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको एक चीज़ तो समझनी पड़ेगी, देखिए यहाँ वो केवल और केवल एक जो लिक्विडेशन का सीन है ना, वहां तक इसको लेके जाना है। बाकी ये कहो मार्केट में अभी वो वाली दम है कि जैसे ये आपका 73 तक कूदते फांदते चला गया था, वो वाली दम फिलहाल मार्केट में नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं बड़े बड़े लोग जितने भी हैं वो नहीं खरीद रहे हैं उतना जितना उनको खरीदना चाहिए, क्योंकि उनकी बाइंग फिलहाल मुझे लगता है कि पूरी हो चुकी है या फिर वो डिप का वेट कर रहे हैं। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं जो धीरे 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 जो BTC बढ़ रहा है ना, उसकी वजह वही है कि भाई छोटे छोटे लोग इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, या जिनको लिक्विडेशन करवाना है एक्सचेंज या जैसे, तो वो कहीं ना कहीं इसको धीरे धीरे ऊपर लेके जा रहे हैं। और जब एक अच्छा खासा ट्रेंड आएगा तब ये आएगा जब ये बड़े बड़े लोग दोबारा से बाइंग अपनी स्टार्ट कर देंगे। देखते हैं मार्केट का फिलहाल मूव जो है ना, एक साइडवे मूवमेंट है, 1,000 ऊपर नीचे डॉलर में चल रहा है, उसी के हिसाब से आप भी अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अपडेट के साथ। नमस्कार।